हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का जो आप लोगों का पेपर हुआ उसकी हम आप लोगों को सीरीज़ भी सॉल्व कराने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन हम आप लोगों को कराने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, न्यूनतम भूपरिष्करण की अवधारणा की शुरुआत हुई थी तो कहाँ पर हुई थी इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक या सामान्य क्षरण कहलाता है तो प्राकृतिक या सामान्य क्षरण आपका क्या कहलाता है, भूगर्भीय क्षरण के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अपवाह जल को जलाशय में इकट्ठा करने की जल संग्रहण तकनीक है तो जल संग्रहण तकनीक आपकी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। जल अपवाह जल को इकट्ठा करना कैचमेंट जल संग्रहण और पुरान अपवयन जल चक्रण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एकल फसल की अपेक्षा अंतःशस्यन की जल उपयोग दक्षता होती है, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मिश्रित फसल प्रणाली मुख्यतः क्षेत्रों में अपनाई जाती है तो किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन नापने के लिए मुख्यतः किस एवोपोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है तो कौन से एवोपोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सनकेन स्क्रीन एवोपोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गली सस्यन का अर्थ है तो गली सस्यन का अर्थ क्या होता है। गली सस्यन का अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पेड़ों की तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के बीच खाली बड़ी भूमि में कम अवधि की फसलें उगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन भारत में सर्वप्रथम ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1923 में हुई थी तो कहाँ पर हुई थी। ये स्थापना हुई थी आपकी मंजीरी में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, मंजीरी में हुई थी, ठीक है। हवा की गति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हवा की गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जलस्मेट आपका क्या है तो इसका जलस्मेट वर्षा यूनिट है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फसल बुवाई वाले क्षेत्र में लाइसीमीटर से किसकी मात्रा मापते हैं तो किसकी मात्रा मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, मृदा उत्सर्जन की मात्रा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा संचयी पेन वापसीकरण के द्वारा 0.5 अनुपात 5 सेंटीमीटर गहराई में सिंचाई आवश्यक होती है तो कितनी सिंचाई आवश्यक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, 5 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है FIRV पद्धति से गेहूँ की बुवाई की जाती है तो किसकी बुवाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, रेस्ड बेड पर की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा गली फसल के रूप में जाना जाता है तो गली फसल के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, हेजरो अंतरासस्यन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा उदग्र परिवार एक है तो उदग्र परिवार एक क्या है तो वेजिटेटिव मल्च है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, वनस्पतिक परिवार है। अगला क्वेश्चन है हवा चलने की दिशा कहलाती है तो हवा चलने की दिशा क्या कहलाती है, विंडवर्ड कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः फसल पद्धति प्रभावित होती है किससे प्रभावित होती है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सामान्य जलवायु की अपेक्षा अगर शुष्क जलवायु की अवस्था लंबे समय तक रहती है तो उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है। नंबर ए सूखा उत्पन्न होता है, ड्रॉट। अगला क्वेश्चन सूखा क्या है, वर्षा जल सूखा क्या है तो सूखा क्या होता है तो सूखा होता है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, किसी विशेष क्षेत्र में समय से कम वर्षा की अवधि हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूखे के लिए बेहतर प्रतिक्रिया है तो कौन सी बेहतर प्रतिक्रिया है, वाटर एड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जल एड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूखे की प्राथमिक आपदा कौन सी है तो सूखे की प्राथमिक आपदा कौन सी है, सूखे की प्राथमिक आपदा जो होती है वो लैक ऑफ वाटर, जल की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, लैक ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है सूखे की स्थिति में खेती करने से उत्पन्न होता है तो सूखे की स्थिति में खेती करने से उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है। इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, इसका आंसर आप लोग खुद हमें बता देंगे कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है तो सूखे का प्राकृतिक कारण है रेन फेल्योर, मतलब वर्षा की विफलता। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठूठ पलवार का संबंध है तो ठूठ पलवार का संबंध किससे होता है तो ठूठ कर पलवार का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, मृदा एवं जल की हानि में कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में ऊपरी सतह में किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रयोग करने से
करने से जल हानि कम होती है यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, बाष्पन प्रतिरोधी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है स्टोमेटा बंद करने वाला बाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ है। तो बाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा होता है इसमें? इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, एब्सेसिक एसिड, ए बी ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जब वर्षा 1150 mm से अधिक वर्षा होती है तो यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? रेनफेड फार्मिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, बरानी खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुष्क क्षेत्र खेती में फसल अवधि होती है तो कितनी फसल अवधि पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल संग्रहण शब्द किसने दिया था? तो जल संग्रहण शब्द है ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, मायर्स ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिल्म बनाने वाले बाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध है तो किससे संबंध होता है इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका, मोबिलीप से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन परिशुद्ध खेती को कहते हैं तो प्रसिद्ध खेती को क्या कहते हैं? तो प्रसिद्ध खेती को कहा जाता है सैटेलाइट फार्मिंग, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है परिशुद्ध खेती की अधिक महत्व वाली तकनीक कौन सी है? तो अधिक महत्व वाली तकनीक आपकी कौन सी है? इसमें GPS और सैटेलाइट नेविगेशन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, दोनों ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है परिशुद्ध खेती है तो परिशुद्ध खेती क्या है? तो परिशुद्ध खेती होती है एक खेती प्रबंधन प्रणाली, आधुनिक तकनीक का उपयोग, एक तकनीक के द्वारा सूचना का उपयोग होना, इसमें उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है परिशुद्ध कृषि प्रसिद्ध है तो परिशुद्ध कृषि किसके लिए प्रसिद्ध होती है? तो इसका ये विकासशील देशों में और विकसित देशों में दोनों में होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा इसमें। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है खाद के प्रबंधन में सुधार एवं अन्य इनपुट का हिस्सा है तो अन्य इनपुट का हिस्सा क्या होता है इसमें? अन्य इनपुट का होता है आर्थिक, फसल विज्ञान और पर्यावरण सुरक्षा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की स्ट्रक्चरल विभिन्नताओं का प्रयोग किया जाता है तो किसमें प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विजुअल इमेज की व्याख्या में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खेती करने के तरीकों का सबसे करीबी है तो सबसे करीबी क्या है इसका? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, फसल उपज जो होती है ये सबसे करीबी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मृदा का नक्शा सूचना देता है तो मृदा का जो नक्शा होता है, वो सूचना देता है, किसकी देता है? मृदा पीएच के बारे में, मृदा पदार्थ के बारे में, मृदा कणाकार के बारे में, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फसल अनुकूलन है तो फसल अनुकूलन क्या है? फसल अनुकूलन होगा संरचनात्मक, दैहिकी और व्यवहार अनुकूलन है, इसका भी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही हम आप लोगों को सॉल्यूशन और नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है पौधे में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है तो सीधा प्रभाव किससे होता है? तो ये शरीरात्मक एवं रूपात्मक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ए और बी दोनों का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा अमीनो एसिड नमी दबाव का अच्छा संकेतक है? तो कौन सा अमीनो एसिड है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, प्रोलिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फसल पौधों की विकास प्रक्रिया और मुख्य पर्यावरणीय कारक के बीच संबंध को कहते हैं तो क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं फसल अनुकूलन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा परिशुद्ध खेती को इस रूप में भी जाना जाता है तो परिशुद्ध खेती को किस रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, विशिष्ट प्रबंधन स्थल, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का उत्तम उदाहरण है तो प्राकृतिक कृषि किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, टिकाऊ कृषि का उदाहरण है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। अगला क्वेश्चन है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में भारत में शुष्क खेती की सामान्य पद्धति अपनाई जाती है तो सामान्य पद्धति कहाँ पर अपनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरक्रॉपिंग में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन होगा शुष्क कृषि क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? 750 से 1150 mm तक होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फसल उत्पादन तथा खेत में प्रयोग किए गए कुल पानी की मात्रा के अनुपात को कहते हैं तो क्या कहते हैं? कुल पानी की मात्रा के अनुपात को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, जल उपयोग दक्षता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं तो मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को क्या कहते हैं? पारगम, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंतः संयंदन इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है
इक्रीशेट स्थापित हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जलस्मेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो जलस्मेट तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, रेनफेड एरिया बरानी क्षेत्रों में किया जाता है इसका प्रयोग, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, रेनफेड एरिया में किया जाता है। इन सीटू जल संग्रहण कहलाता है, तो इन सीटू जल संग्रहण क्या कहलाता है, इन सीटू जल संग्रहण क्या कहलाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो डी सॉरी डी सही होगा, रन ऑफ रिसाइकलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है, तो कंटूर मेड़बंदी होती है उसमें उपयुक्त ढाल कितना होता है, तो 6% होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है शून्य जुताई पद्धति में भूमि की ऊपरी परत होती है, तो जो शून्य जुताई पद्धति होती है उसमें हाई वर्क डेंसिटी वाली ऊपरी पद्धति होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, अधिक घनत्व वाली, अधिक स्थूल घनत्व वाली, हाई बल्क डेंसिटी वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा ईटी दर को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक है, ईटी दर को निर्धारित कौन करता है, जलवायु की दशा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा आपका, ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौन सी है, तो क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौन सी है, ऑप्शन नंबर कंटूर मेड़बंदी, सबसॉइलिंग, बेसन लिस्टिंग, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिसर्च सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्थित है, तो ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पट्टीदार खेत का कौन सा रूप है, पट्टीदार खेती का रूप कौन सा है, तो इसमें दिया गया है कंटूर पट्टीदार खेती, बफर पट्टीदार, वायु पट्टीदार खेती, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की पपड़ी से कम होता है, तो मिट्टी की पपड़ी से क्या कम होता है, तो मिट्टी की पपड़ी से अंतः स्यंदन कम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें डब्ल्यू यू ई वाटर यूज इफिशियंसी अधिक होती है, तो ये किसमें होती है, तो ये फिंगर मिलेट में होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा, रागी में होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और पेपर भी आप लोगों को सॉल्व कराते रहेंगे, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।